आज के 5 मिनट की फिजिक्स सीरीज में सीखेंगे बच्चों एक बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आईआईटी जी एडवांस में आ चुका है, जो कि एक तरह से हाइब्रिड क्वेश्चन है, जिसमें सेंटर ऑफ मास का भी कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का भी कॉन्सेप्ट है। सो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सौरभ शर्मा फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ फिजिक्स ग्वालियर। बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। सो लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन सेज। क्वेश्चन में मुझे ये बोला गया कि मेरे पास एक ही ब्लॉक था कैपिटल एम मास का, जिसमें ये वेज कटिंग थी, क्वार्टर वेज कटिंग थी, ठीक है। ये एक फिक्स्ड टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ये जो मेरे पास है ये टेबल फिक्स्ड है, ये जो टेबल है ये मेरे पास एक फिक्स्ड टेबल के ऊपर रखा हुआ है। चलो भाई रखा हुआ है, ठीक है। फिर एक स्मॉल एम मास का मैंने ब्लॉक ले लिया, जो कि अभी इनिशियल या रेस्ट में है, सारी सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, एनर्जी कंजर्वेशन किया जा सकता है। उसने क्वेश्चन में ये बोला कि जब ये जो एम मास का, स्मॉल एम मास का जो ब्लॉक है, जब ये ब्लॉक यहां आ जाएगा, अभी जो है मेरे पास देखा जाए तो इसका राइट कॉर्नर का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स इक्वल टू जीरो है। राइट कॉर्नर का जो कोऑर्डिनेट है इस कैपिटल एम मास के ब्लॉक का वो एक्स इक्वल टू जीरो है, ठीक है। जब ये स्मॉल एम मास का ब्लॉक यहां आ जाएगा और जब कॉन्टेक्ट लूज करने वाला होगा या कॉन्टेक्ट लूज कर देगा, तो उस समय क्या क्या चीज हमें कैलकुलेट करनी है। इस स्मॉल एम मास की वेलोसिटी क्या होगी जब यहां आ जाएगा, कैपिटल एम मास की क्या वेलोसिटी होगी, ठीक है। जो ये कैपिटल एम मास का जो ब्लॉक है इसके सेंटर ऑफ मास में कितना डिस्प्लेसमेंट आया होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरे पास, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सेस मुझे दी गई है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरे पास स्मॉल एम मास के ब्लॉक का, मेरे को ये चीजें इसमें कैलकुलेट करनी है। अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्सेज लग रहे हैं मेरे पास, कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखूं तो नेट फोर्स मेरे पास जीरो है। अगर मेरे पास नेट फोर्स जीरो है, इसका मीनिंग मैं क्या समझूं कि मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम लगा सकता हूं। तो आइए पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाते हैं। जब मान के चलो जब ये मेरे पास जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल मेरे पास यहां आ जाए, ध्यान से समझिएगा, जब ये पार्टिकल मेरे पास यहां आ जाएगा, ठीक है, तो होगा क्या। तो बेसिकली अगर मैं इसको बहुत ध्यान से देखूं, इनिशियली अगर मेरे पास सिस्टम रेस्ट में था तो यानी इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था, अगर ये सेंटर ऑफ मास इनिशियली इसका रेस्ट में था तो फाइनली भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो चेंज इन सेंटर ऑफ मास होगा वो मेरे पास जीरो होगा, यानी रेस्ट में रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा जब ये स्मॉल एम मास का ब्लॉक यहां आएगा, जब इसकी स्पीड को जिस डायरेक्शन में होगी, चलो मैं इसको अलग से बना के दिखा देता हूं। मान के चलो जब ये स्मॉल एम मास का ब्लॉक इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी यहां आ जाएगा, तो इसकी स्पीड मान के चलो वी स्मॉल एम मास के इसकी स्पीड ये हो जाएगी। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास को रेस्ट में रखने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स कंपोनेंट को रेस्ट में रखने के लिए सेंटर ऑफ मास के, तो ये वेज को मूव करना पड़ेगा पीछे की डायरेक्शन में, तभी तो सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेस्ट में रह सकता है मेरे पास। तो इसकी स्पीड मान के चलो मैंने मान ली वी कैपिटल है। अब मैं क्या करूं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया जा सकता है कैसे, कि भाई नेट पी इनिशियल इक्वल्स टू नेट पी फाइनल, कैसे लगा देंगे इसमें। तो नेट पी इनिशियल अगर मैं देखूं तो पूरा सिस्टम रेस्ट में था तो जीरो, नेट पी फाइनल क्या हो जाएगा, स्मॉल एम मास का जो ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी स्मॉल एम, अगर राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव लेके चलूं तो माइनस ये हो जाएगा कैपिटल एम मास का ब्लॉक, और ये वी कैपिटल एम, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा एम वी एम इक्वल्स टू कैपिटल एम वी एम आ जाएगा मेरे बेटे। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अगर मेरे को स्मॉल एम मास की वेलोसिटी निकालनी है तो वीएम क्या हो जाएगा, अरे वीएम हो जाएगा, स्मॉल एम मास की वेलोसिटी निकालूंगा तो एम बाय स्मॉल एम और ये वी मेरे पास कैपिटल एम, ये आ जाएगी मेरे पास वेलोसिटी। चलो अब हमारा टारगेट ये है कि हमें ये वीएम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और अगर मैं इसमें अगर मैं चाहूं तो कैपिटल वीएम की वैल्यू भी निकालना चाहूं तो कैपिटल वीएम की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। कैपिटल वीएम की वैल्यू कैसे निकाल दूंगा, तो भैया स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम ये आ जाएगा। अब मैं अगर देखूं तो मेरे को कैलकुलेट कैसे करना होगा, तो सबसे पहले मैं इसमें देखूंगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का जो लॉजिक है, जो कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर जीरो है, यानी डेल्टा एक्स सी एम की वैल्यू मेरे पास क्या है, जीरो, क्योंकि इनिशियली रेस्ट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स जीरो है तो ये जीरो बना रहेगा। तो कैसे करेंगे, तो डेल्टा एक्स सी एम मेरे पास अगर जीरो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ध्यान से देखिएगा कि एम मास का जो ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक है, जब ये स्मॉल एम मास का ब्लॉक यहां आएगा तो एम मास के ब्लॉक को थोड़ा सा पीछे स्लाइड करना पड़ेगा, पीछे शिफ्ट हो जाएगा। मान के चलो ये थोड़ा सा मेरे पास पीछे शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट हो जाएगा, अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं अभी एक्स है तो मैंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल ये एक्स शिफ्ट हो जाएगा पीछे, ठीक है।
अगर मैं देखूं स्मॉल एम मास का कितना शिफ्ट हुआ होगा, स्मॉल एम मास का कितना, ये आर आगे भी तो गया है, अगर आर आगे गया है तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, स्मॉल एम मास का ब्लॉक कितना शिफ्ट हुआ होगा, आर माइनस एक्स, अरे ये एक्स है ये पूरा आर है, तो जो स्मॉल एम मास का जो ब्लॉक इधर आया होगा बेसिकली वो कितना आया होगा, ये आया होगा मेरे पास आर माइनस एक्स शिफ्ट हो गया होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें चेंजेस देखूं तो एम इंटू एक्स, जो एम है मेरे पास कैपिटल एम एक्स शिफ्ट हुआ है, जो चेंज इन पोजिशन आई इनिशियली जीरो थी जिसकी, और प्लस स्मॉल एम की कितनी आई है मेरे बेटे, आर माइनस एक्स आई है अपॉन एम प्लस स्मॉल एम। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, एम इंटू एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू आर माइनस स्मॉल एम इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू मेरा टारगेट कैलकुलेट करना है तो ये इधर लेके आ जाऊंगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल एम इंटू आर अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास वो कितनी आ गई, एम इंटू स्मॉल आर, एम इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। सो ये मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा भी गया था मेरे से कि द एक्स कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक कैपिटल एम, यानी जो कैपिटल एम मास का ब्लॉक का एक्स कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो ये आ गया मेरे पास, एम इंटू आर अपॉन एम प्लस स्मॉल एम। जब ये क्वेश्चन आया हुआ था आईआईटी जेईई में तो इसके इस ऑप्शन में माइनस भी लगा हुआ था, बेसिकली माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है कि जो वेज है ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमने भी उसका यूज किया हुआ है, हमने स्टार्टिंग में मान लिया है कि जो वेज है वो लेफ्ट में जा रहा है। सो व्हाट डज इट सिग्निफाई, इट सिग्निफाई दिस इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज कैपिटल एम इन लेफ्ट डायरेक्शन, ये कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें स्पीड ऑफ द स्मॉल एम मास की ब्लॉक कैलकुलेट करना है। तो हमने मोमेंटम कंजर्वेशन की एक इक्वेशन तो ये लगा दी थी, चलो इसे इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं। अब हमें क्या करना होगा, चूंकि मैकेनिकल एनर्जी इसमें कंजर्व है, अगर मैं इतना पोर्शन रब कर दूं बेटे, ये पोर्शन रब कर दूं, आई होप सो आपने नोट कर लिया होगा एक्स की वैल्यू। एक चीज और इसमें बोली गई थी क्वेश्चन में, उसका भी पहले यहां देख लो, उसमें क्वेश्चन में एक ऑप्शन ये भी था कि द पोजीशन ऑफ द पॉइंट मास जो आएगी मेरे पास, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, व्हेन द मास लूजेस कॉन्टेक्ट विद द ब्लॉक इट्स पोजीशन इज एक्स, ठीक है। यानी जब ये ब्लॉक कॉन्टेक्ट लूज करेगा तो इसकी पोजीशन कितनी है, एक्स, ठीक है, यानी एक्स पोजीशन है ये। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का वेज का आया है एक्जैक्टली यही मेरे पास आंसर किसका भी होना चाहिए, स्मॉल एम मास के ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि जो पोजीशन होगी पॉइंट मास की वो कितनी होगी, एक्स है, तो अगर पोजीशन ब्लॉक को कॉन्टेक्ट लूज करते समय अगर एक्स है तो एक्स की वैल्यू भी यही होनी चाहिए। चलो तो यानी ये वेज का भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का है और जो ब्लॉक एम है अगर उसकी पोजीशन मेरे पास एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट है तो एक्स की वैल्यू भी ये होगी। तो ये हमने दो डेटा इसमें कैलकुलेट कर लिए। अब आगे हमारा क्या पर्पस कैलकुलेट करने का है, वेलोसिटी ऑफ द मास स्मॉल एम हमें कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, जब भी ब्लॉक यहां से आएगा तो मेरे पास क्या होगा कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मेरे पास इसमें इंक्रीज होगी, पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, एम जी इंटू आर, अगर ये मेरे पास हाइट आर दी गई है तो हाफ स्मॉल एम वी एम का स्क्वायर प्लस वन बाई टू कैपिटल एम और वी एम का स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशनों से हम जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो स्मॉल वी एम की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल एम वी एम की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर टू इंटू जी इंटू आर अपॉन वन प्लस एम बाय एम, वन बाय एम प्लस कैपिटल एम। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मास स्मॉल एम व्हेन इट लूजेस द कॉन्टेक्ट। चलो ये आगे, अगर मेरे को v कैपिटल m निकालना है, अरे तो निकाल नहीं सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, m by m कर देंगे तो ये मेरे पास कैपिटल m मास के ब्लॉक की वेलोसिटी भी आ जाएगी। ये सारा डेटा इस क्वेश्चन में पूछा गया था, सो फाइनली वी गॉट ऑल द डेटा। ये जो क्वेश्चन आईआईटी जेईई एडवांस में आ चुका है, मैंने सभी डेटा इसमें कैलकुलेट करके आपको बताया। आई होप सो यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड गॉट माय पॉइंट, दिस क्वेश्चन वाज क्वाइट इजी, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर वीडियोस एंड थैंक यू बच्चों, आगे बातें अगले वीडियो में।